वेलकम टू सिक्योर लाइफ बिजनेस। सिक्योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिक्योर लाइफ से रिलेटेड लेटेस्ट और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके, और ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें या आप व्हाट्सएप 9310123 पर सिक्योर लाइफ लिख करके कर सकते हैं। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बिजनेस को आगे देखने की कोशिश करेंगे। हमारी कंपनी है सिक्योर लाइफ, जिसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है सेफ शॉप नाम से। इंडियाज नंबर वन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और हमारी टीम VS टीम है। VS टीम के तहत हम अपनी टीम को चलाते हैं। सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत 14 दिसंबर 2000 को हुई थी। आज 17 साल पूरे होने को हैं, पूरे हो चुके हैं, और 17 साल में नई नई ऊंचाइयों को कंपनी छूती जा रही है। और सेफ शॉप 4 सेक्टर में काम कर रही है: एजुकेशन, हेल्थ, फैशन और टेक्नोलॉजी, जिसे आप जानते हैं कि ये अभी कभी कम नहीं होने वाला है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हम कंपनी के डायरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारी ये 5 कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर के कंपनी की शुरुआत की, जिनके नाम हैं मिस्टर रजत वर्मा, मिस्टर राजपाल अरोरा, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल, मिस्टर राज आनंद एंड हरीश सोंधी। इन लोगों ने अपना एक सपना लेकर के ये आगे बढ़े, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर गरीब को पैसे कमाने का मौका मिले और उसे भी अमीर बनने का मौका मिले, क्योंकि हर इंसान आज के 90% आबादी, 10% देश की आबादी राज कर रही है। इस मिथ को हटाना चाहती है कंपनी, और चाहती है कि हर गरीब भी को भी अमीर बनने का मौका मिले। और इसी मिशन के साथ इन्होंने आर्थिक आज़ादी अपना एक मिशन बनाया और मिशन के साथ आगे बढ़े हैं। कंपनी का ये सर्टिफिकेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा जारी किया गया है। और हमारी सेफ शॉप नाम ये ऑफिस है जो जनकपुरी A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली 58 में है। ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही इसका हेड ऑफिस है, और यहीं से पूरे देश का बिजनेस संचालित होता है। हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ISO सर्टिफिकेट है, और ये कंपनी का अपना पैन कार्ड है जो 22/1/2001 से का बना हुआ है। तब से कंपनी का पैन कार्ड जारी है, जो किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। ISO सर्टिफाइड कंपनी है। विजुअलाइज फॉर फ्यूचर, इंडिया गवर्नमेंट का एक सर्वे है कि प्रत्येक 20 साल पे, उसका रिपोर्ट कहता है कि प्रत्येक 20 साल पे महंगाई दर 20 गुना बढ़ती, 10 गुना की दर से बढ़ती जाती है। तो देखते हैं, इस रिपोर्ट को एक बार ध्यान से देखेंगे। 1960 में जो लोग 100 रुपये कमाते थे, उनका लाइफ स्टाइल और बहुत अच्छी होती थी और सेविंग भी करते थे, संयुक्त परिवार होता था। यही जब 1980 में आए तो उनको 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी, परिवार छोटा होने लगा, हम दो हमारे दो वाली बात शुरू हो चुकी थी, और यहाँ पे 1000 रुपये में लाइफ स्टाइल तो सेम रहा, लेकिन वहाँ पे सेविंग ख़त्म हो गई। अब जाकर के 2000 आया, 2000 में शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि 10000 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी, इतनी महंगाई बढ़ गई। और यहाँ तो अभी स्थिति ये आ गई थी कि हम दो हमारे एक बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो गया था 10000 में। लेकिन अब बहुत जल्दी 2020 आने वाला है, और 2020 में फिर से महंगाई 10 गुना बढ़ने वाली है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 1 लाख रुपये की,
अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो बिलो एवरेज लाइफ आप जी सकते हैं। 2017 चल रहा है, 2017 के 5 महीने बीत चुके हैं, अब इतने कम टाइम में क्या आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? अगर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं तो फिर आप एक सामान्य जीवन तो जी सकते हैं, अच्छी जीवन तो फिर भी 1 लाख रुपए में नहीं जी सकते हैं लेकिन जीने के लिए। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि लोग 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या 30,000 रुपये तक कमाते हैं, तो फिर हम गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पे 2020 में रहेंगे। और अगर हम इसे अगर 1 लाख रुपये कमाना चाहते हैं तो इसे कैसे कमा सकते हैं? तो पैसे कमाने के हमारे पास सिर्फ अब 2.5 साल सिर्फ बचे हुए हैं। इन 2.5 साल में हमारे ड्रीम और डिजायर हैं बहुत सारे, लैपटॉप, स्टाइलिश बाइक, लग्जरी कार वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ हमारे कुछ के सपने हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, और इन सब के लिए हमारी इनकम जो है बहुत थोड़ी है, और इस थोड़ी सी इनकम में हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, बहुत हमारी इनकम बहुत छोटी हो जाती है, और हमारे सपने बहुत बड़े हैं और इनकम बहुत छोटी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमारी इनकम बढ़ानी होगी। अगर जैसे हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारे पैसे हो जाते हैं, 1-2 लाख रुपये महीने का कमाने लगते हैं, तो फिर यही सपने जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, उन पैसों से सारे सपने को हम पूरा कर सकते हैं, और वो सपने सारे इन पैसों के अंदर आ जाएंगे। जब हम चाहें तब जो मर्जी खरीद सकते हैं, किसी चीज़ के लिए हमें मन महसूस कर नहीं रहना पड़ेगा। अब इन पैसा कमाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जॉब ट्रैक। अब यदि हम जॉब करते हैं तो टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, मनी फ्रीडम, पैसे की आज़ादी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी आपका फिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे तो थोड़ी इंसेंटिव कमा सकते हैं, पर ज़्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते हैं। पोजीशन है हैंड टू माउथ, खाया बस, ज़्यादा कल के लिए आप उससे कुछ नहीं बचा सकते हैं। स्टेटस, आप सिर्फ बॉस को फॉलो कर सकते हैं, हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। और सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, अरे अगले जनरेशन के लिए आप पैसे बचाना तो बिल्कुल ही सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आज अगले महीने का खर्चा बचाना, खर्चे के लिए पैसा बचाना मुश्किल हो रहा है, तो हम भविष्य के लिए क्या पैसे बचाएंगे इतनी कम इनकम में। दूसरा, यदि हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर हमने 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कम से कम 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसमें रिस्क फैक्टर है, जैसे आग लगना, चोरी होना या लॉस लग जाना। अगर हमने लोन ले लिया तो वो एक लायबिलिटीज हो जाएगी, जिसके कारण भी आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है मार्केट में, तो आपको लो मार्जिन पे बेचना पड़ेगा, आपको लॉस लग सकता है। और अनसर्टेन फ्यूचर है, क्योंकि कभी गवर्नमेंट का सेलिंग स्कीम आ गया और सेलिंग के तहत आपको कंपनी शिफ्ट करना पड़ा, या आपकी कंपनी को तोड़ दिया गया, हटाना पड़ा, या गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी ऐसा आया जिसमें आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं है। तो और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा ब्रांड है, ये सारे 32 कंपनियों के साथ हमारा टाइप है, ये हमारे सारे चैनल पार्टनर हैं जिसका नाम आपने सुना ही होगा। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, अमेरिकन टूरिस्टर, ग्रासिम, शार्क, फिलिप्स, रिवॉक, संस्कृति, लर्निया एंड लवानिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रांड हैं इनमें। इसमें जैसे नोकिया लूमिया, इलेक्ट्रोलक्स, पैनासोनिक, जैनो, शार्प, और हमारे ये कुछ इनके इन्हीं ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एजुकेशन सेक्टर में, बेस्ट चाइल्ड बेस्ट एजुकेशन पैक, ये एक टॉकिंग टेड एजुकेशन पैक है जो बोल करके बच्चों को पढ़ना सिखाता है। एक ग्रासिम का सूट
ये भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। लावण्या लावण्या का हैप्पी फैमिली पैक है, जिसमें एक सूट और एक साड़ी का पैक है, जिसे आप ले सकते हैं। 4 साड़ी का और 7 साड़ी का पैक है। ये भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। आप चाहें तो यदि आप लेडीज़ हैं, या अपने अपनी बहन के लिए, या आपकी वाइफ अगर सूट पहनती हैं तो उनके लिए आप सूट लेकर ले सूट भी ले सकते हैं। मैराथन पैक भी ले सकते हैं आप। इनमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं जो आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार लेना है। एजुकेशन सेक्टर में लर्न एंड स्पीकिंग इंग्लिश का पैक ले सकते हैं, बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, यदि आप बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, तो गोल्डन नॉलेज पावर बैंक और गोल्डन नॉलेज सुपर पावर बैंक, इस दोनों तरह के बहुत सारे सीडियों के साथ है वो पैक, इसे भी ले सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में रिलैक्स पर्सनल थेरेपी, ये भी आप लेकर के ज्वाइन ये भी ले सकते हैं आप। जैसे आप ये इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होती है। आप बाहर से कहीं भी मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो आपको कमाई का कोई मौका नहीं मिलता है, आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। उसके बाद आप 10 लोगों के क्या 50 लोगों को भी आप वहाँ पे शॉपिंग करवाते हैं तो आपको कमाने का कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ही आप इनमें से कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और ज्वाइनिंग जैसे ही होती है तो किसी भी स्कूल में जैसे ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद सीखना होता है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी सीखना होता है। तो स्कूल के बच्चे जब सीखने में 20 साल लगाते हैं, 20 साल पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो किसी जॉब में जाते हैं और फिर वो सिखाते हैं या उसका उपयोग करते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने की आपको सीखना होता है, और सीखते सीखते अपने अप्लाइन की सहायता से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। और ये अर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए आपको इवॉल्व इंडिया सिस्टम से, हवाई टीम सिस्टम है जिसके तहत एक टूल किट लेना आवश्यक होता है जो 900 रुपये का होता है, जो इस प्रोडक्ट के अलावा एक अतिरिक्त होता है। इसमें आई कार्ड, बिजनेस बुक, प्रेजेंटेशन फाइल, ब्राउज़र, एल्बम और DVD एक्सेट्रा, इन सब प्रोडक्ट ये चीज़ सीखने के लिए होता है। जब इस चीज़ को हम लेकर के सीखते हैं तो सीखने के बाद अब हम आते हैं पे आउट प्लान, कि हम इससे इनकम कैसे कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट पे आउट प्लान देखते हैं कि हमारी इनकम कैसे होगी। तो हम जैसे कोई एक प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइन करते हैं तो हमें यू नाम की एक ID मिलती है, मतलब आपके नाम से एक ID मिलती है आपको, और उसके लिए आपको सिर्फ 2 पार्टनर की ज़रूरत होती है। आप जैसे 2 पार्टनर को जोड़ते हैं तो 2 पार्टनर आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, या कोई भी अपने जानने पहचानने वाले, तो उनमें से बहुत सारे में से सिर्फ आपको 2 लोगों ऐसे लोगों को जोड़ना है जो आपके लिए और अपने लिए काम कर सकें, जो सपने देख रहे हों। तो ये तो कई बहुत बड़ी मुश्किल काम तो है नहीं, है ना वो तो जी, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है। जैसे आप 2 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको 2 टर्बो इनकम के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। अब हम जानते हैं कि यू नाम से हमने लेकर के ज्वाइन किया, और लेफ़्ट और राइट में हमने 2 लोगों को 2 पार्टनर को जोड़ा। जैसे हम लेफ़्ट और राइट में 2 को जोड़ते हैं तो 1 पेयर बनता है, और जैसे 1 पेयर बनता है तो आप क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करने पे आपको मिलता है 1400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये आज तक 1000 रुपये दिया जा रहा था, पर इस इंसेंटिव को और बढ़ा दिया गया है। जो व्यक्ति क्वालिफाई करता है उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे, तो जैसे वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करता है तो उसे कंपनी देती है 1400 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमने ज्वाइन किया और उसके बाद हमने लेफ्ट ए को ज्वाइन कराया और उसके बाद बी को ज्वाइन किया कराया, तो हमारा एक पेयर बनता है और एक पेयर पे मिलता है हमें, हम क्वालिफाई करते हैं और हमें मिलता है 1400 रुपये। अब ए ने भी सी को ज्वाइन कराया और बी ने भी डी को ज्वाइन कराया, तो आपका एक फिर से पेयर बन गया, सी और डी नाम से एक पेयर बन गया और आपको फिर से मिलता है 1000 रुपये। ए ने एफ़ को ज्वाइन कराया और वो क्वालिफाई करता है, डी ने ई को ज्वाइन कराया और वो भी क्वालिफाई करता है, और आपका एक और पेयर बन जाता है और आप कमाते हैं फिर से 1000 रुपये। अब सी और एफ एक पेयर बनता है और ए कमाता है 1400 रुपये क्वालिफाई करने पर, ई और डी का एक और पेयर बनता है, बी और बी क्वालिफाई करता है और वो कमाता है 1400 रुपये, और आपका यहाँ पे तीन पेयर बनता है और तीन पेयर पे मिलता है आपको टोटल 3400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप कमाते हैं 3400 रुपये। और इसके बाद अनलिमिटेड डेप्थ तक 1000 रुपये कंटिन्यू हर लेवल तक मिलता जाएगा, जितनी भी आपके नीचे पेयर बनेगी हर लेवल पे आपकी इनकम 1000 रुपये आएगी। अब जानते हैं कि कुछ समय ऐसा आएगा जैसे आपने दोनों लोगों के साथ अपनी टीम के साथ काम करते गए तो 25 पेयर बनेगा, ए के साइड में 25 पेयर बनेगा और वो कमाएगा 25000 रुपये, बी के साइड में बनेगा 25 पेयर और वो कमाएगा 25000 रुपये, लेकिन आपका पेयर बनता है 50 पेयर और आप कमाते हैं 50000 रुपये। अब कुछ और समय बीतेगा तो ए का बनेगा 50 पेयर और वो कमाएगा 50000 रुपये, और राइट साइड में बी का बनेगा 50 पेयर, वो कमाएगा 50000 रुपये, लेकिन आपका बन जाएगा वहाँ पे 100 पेयर और आप कमाएंगे 1 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपये। कुछ समय और बीतेगा, आप अपनी टीम के साथ मेहनत करते जा रहे हैं और टीम बढ़ती जा रही है, और कुछ समय और बीतने के बाद आपका ए के साइड में बनता है 100 पेयर और ए कमाता है 1 लाख रुपये, बी के साइड में बनता है 100 पेयर और बी कमाता है 1 लाख रुपये, और आपका पेयर बनता है 200 पेयर, 200 पेयर पे कमाते हैं आप 2 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपये। कुछ समय और भी बीतेगा क्योंकि आपकी टीम पे आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, टीम बढ़ती जाएगी, तो ए का बनता है 200 पेयर, वो कमाएगा 2 लाख रुपये, बी का बनता है 200 पेयर तो बी कमाएगा 2 लाख रुपये, तो कायदे से आपको आपका 400 पेयर होता है तो आपको 4 लाख रुपये कमाना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपनी कहती है कि हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, हम 4 लाख रुपये आपको नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको 2 लाख रुपये देंगे, 2 लाख रुपये पर वीक कैपिंग। जी हाँ दोस्तों, ये महीने का नहीं पर वीक का आपको 2 लाख रुपये कंपनी देती है पर वीक का। अब पावर ऑफ टीम वर्क, जैसे अब टीम वर्क करते हैं, अपने टीम के साथ मेहनत करते हैं, पहले महीने में आपने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराया और आपकी टीम होती है 2 लोगों की, मान लीजिए आपको हर एक व्यक्ति को एक एक महीने लगता है 2 लोगों को ज्वाइन कराने में, तो अगले महीने दूसरे महीने में 2 लोग वो 2 लोग कराएंगे 2 लोगों की ज्वाइनिंग, और टोटल आपकी यानी कि टोटल होंगे 4 लोग और वहाँ पे आपकी टोटल टीम हो जाएगी 6 लोगों की। तीसरे महीने में यही 4 लोग 2 लोग दो दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे और वहाँ पे करेंगे 8 लोगों की ज्वाइनिंग और आपकी टीम हो जाएगी 14 लोगों की। इस तरीके से यूं ही आपकी टीम बढ़ती जाएगी और छठे महीने में ज्वाइनिंग होगी 64 लोगों की और आपकी टोटल टीम हो जाएगी 126 लोगों की। अब सोचिए दोस्तों, क्या कोई एक व्यक्ति 126 लोगों की ज्वाइनिंग करा सकता है? यहाँ पे आप हर कोई दो दो व्यक्ति को ज्वाइन करा रहा है, कोई भी 2 से ज़्यादा की ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है, और आप 6 महीने के बाद आपकी टीम हो जाती है 126 लोगों की।
और इसे अगर दो से डिवाइड करते हैं तो 63 पेयर बनता है। 63 जोड़े यानी कि 63,000 रुपये आपको मिलता है, क्योंकि एक पेयर पे 1,000 रुपये, तो 63 पेयर पे 63,000 रुपये। अगर इसे हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 10,500 रुपये आपकी मंथली इनकम बैठती है। क्या दोस्तों कम है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज भी 10-10.5 हज़ार रुपये महीने का नहीं कमा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप इतना कमा रहे हैं, तो क्या 10.5 हज़ार रुपये आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो बुरा है? क्या आपका बहुत सारा खर्चा निकल नहीं जाएगा इससे? क्या बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं हो जाएगी? क्या आपका घर का खर्चा नहीं निकल जाएगा? और कुछ टाइम आगे बढ़ता है और इस तरीके से अगर एक साल हम देखते हैं तो एक साल के बाद हमारी टीम हो जाती है, टोटल ज्वाइनिंग होती है 12वें महीने में 4,096 लोगों की, और आपकी टीम हो जाती है 8,190 लोगों की। जी हाँ दोस्तों, 8,190 लोगों की। और ये कोई एक व्यक्ति अगर चाहे भी तो नहीं कर सकता है, पर ये टीम वर्क ही है कि हमारी टीम एक साल के अंदर 8,000 लोगों की हो जाती है। अब 8,000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4,000 पेयर बनता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेयर पे 1,000 मिलता है, 10 पेयर पे कंपनी देती है 10,000 रुपये, 100 पेयर पे 1,00,000 रुपये, 1,000 पेयर पे 10,00,000 रुपये, तो 4,000 पेयर पे कितना होगा दोस्तों, आप विश्वास करेंगे? 4,000 पेयर पे 4,000 × 1,000 40,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 40,00,000 रुपये। क्या आपको विश्वास होगा? कुछ टाइम जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन ये टीम वर्क ही है कि आप एक साल में 40,00,000 रुपये कमा सकते हैं। 40,00,000 रुपये। अब मैं हम मान लेते हैं कि 100% हम अगर पूरी मेहनत से करते हैं, और आप जानते हैं कि एक पेयर पे 1,000 रुपये मिलता है और एक साल में 4,000 पेयर बनता है, तो आप कमाते हैं 40,00,000 रुपये। लेकिन आप कहेंगे कि कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, सब लोगों ने एक साथ काम नहीं किया, कुछ ढीले पड़ गए। तो अगर आपका काम थोड़ा धीरे भी चला, 50% भी काम हुआ, तो आप एक साल में कमाएंगे 20,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 20,00,000 रुपये। और अगर 25% भी कमाते हैं तो 10,00,000 रुपये। आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया? एक सामान लिया जो मार्केट से आप कहीं भी से ले सकते हैं और कहीं भी से भी लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कमाने का नहीं मौका मिलता है। पर यहाँ पे एक सिर्फ आपने सामान लिया, जितना पैसा दिया उसका सामान मिल गया, और आपने 25% भी काम किया तो आप कमाते हैं 10,00,000 रुपये। दस परसेंट भी काम करते हैं तो 4,00,000 रुपये आप कमाते हैं दोस्तों, 4,00,000 रुपये। और अगर 1% भी आपने काम किया या आपका 1% भी काम हुआ, तो आप कमाते हैं 40,000 रुपये। क्या कोई बैंक एक साल के अंदर इतना इंटरेस्ट देती है? या किसी भी बिज़नेस में आपको 8,000 रुपये या 9,000 रुपये का एक प्रोडक्ट लेकर के 40,000 रुपये इनकम देगी? मुझे नहीं लगता है कि कहीं देगी। तो एक साल में आप कमाते हैं कम से कम तो 40,000 रुपये। और जो भी आप काम करते हैं, बुधवार से मंगलवार तक काम करें और अगले मंगलवार को आपका चेक तैयार होगा, और वो भी इनकम टैक्स, जितने टैक्स वगैरह है वो डिडक्ट होके, यानी कि आपका जो पैसा होगा वो एक खड़ा सोना होगा, जिसमें ना तो कोई टैक्स भरना है, ना तो किसी बात की टेंशन है, ना तो ब्लैक मनी है, क्योंकि सब कुछ चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू होता है। कैश का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अब आप कहेंगे कि अगर दो नहीं हुए तो
आपने मार्केट से भी बहुत सारे कई बार फ़ोन लिया है, कई बार कपड़े लिए हैं, तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर भी आप भीड़ के हिस्से हैं, समझ लीजिए कुछ नहीं मिला अगर आपने कुछ भी काम नहीं किया तो। पर अगर आप अगर दो हो गए तो, और ये सोचिए अगर दो हो गए तो आप, ये मिस्टर सतीश खन्ना हैं जो 7,500 रुपये की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति थे, और आज इनके पास पहली कार वैगनार थी और दूसरी कार आज स्कोडा कार मेंटेन कर रहे हैं। ये एक कंपनी पर विश्वास था और इनकी लगन थी, जिसके कारण से इनकी इनकम 4 लाख से 4.5 लाख रुपये पर महीने का इनकी इनकम हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख से 4.5 लाख रुपये पर मंथ इनकम है। अगर दो हो गए तो इन लोगों ने सोचा कि अगर दो हो गए तो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही मिलेगा। अगर दो हो गए तो मिस्टर सुबोध तिवारी आज ऑडी कार मेंटेन करते हैं, मिस्टर अमित मिश्रा जो एयरफोर्स की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ करके सेफ शॉप ज्वाइन किया और आज ऑडी कार मेंटेन कर रहे हैं। मिस्टर संजय गुप्ता आज जगुआर कार मेंटेन करते हैं, जो आपको पता होगा शायद कि 2 लाख रुपए से कम की जगुआर नहीं आती है। जगुआर कार मेंटेन करते हैं और पहले 3,500 रुपये की नौकरी करते थे, कंपनी पर विश्वास किया और टीम के साथ काम किया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें गिनाऊं तो एचीवर्स कैलरी में भरे पड़े हैं, लेकिन एक खास लोगों के बारे में बताऊंगा कि मिस्टर हर्ष बिल्ला और मिस्टर दीपक बिल्ला, ये हमारे क्राउन हैं जो सबसे ऊपर में हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंपनी पे भरोसा करके शुरू किया था। जिस टाइम में सिक्योर लाइफ को कोई नहीं जानता था, उस टाइम इन्होंने कागज़ पर लकीर गोली बना बना करके लोगों को समझाया था। और विशेष व्यक्ति से मिलवाना चाहूँगा स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी, इसमें सभी श्री लगे हुए, श्री लगा हुआ है, लेकिन मिस्टर श्याम सुंदर जी स्वर्गीय इनका लग चुका है, क्योंकि इनका एक रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो चुकी है। पर इन्होंने कंपनी को 2000 में ज्वाइन किया था, बहुत गरीब परिवार से थे, पर कंपनी पे विश्वास करके इन्होंने जी पूरी लगन के साथ काम किया। और जब ये सिल्वर बने थे तब कंपनी के डायरेक्ट के हम क्राउन मेंबर जो हैं वो इन्हें गिफ्ट देने के लिए इनके घर पर गए थे। इनको एक श्रद्धांजलि। स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी नवंबर 2003 को सिक्योर लाइफ बिजनेस शुरू किया। सिक्योर लाइफ बिजनेस पूरे लगन और मेहनत से करते हुए अक्टूबर 2005 में श्याम सुंदर जी डायमंड बन गए। जी हाँ, जी जान से मेहनत करके, इन्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और 2 साल में इन्होंने डायमंड लेवल अचीव कर लिया। श्री श्याम सुंदर जी अपने सपनों को साकार लगातार करते ही जा रहे थे कि अचानक 6 जुलाई 2007 की रात सड़क दुर्घटना में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे सिक्योर लाइफ परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उस टाइम तक इनकी टीम 17,000 लोगों की हो चुकी थी, जो आज 1 लाख लोगों की हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख लोगों की हो चुकी है, और आज इनके परिवार में कंटिन्यू इनकम जा रही है इनके मरने के बाद। और जिसने आप देख सकते हैं कि श्याम सुंदर जी 2007 में जब ये जीवित थे तो इनकी 23,000 रुपये, 30,000 रुपये, 17,000 रुपये साप्ताहिक इनकम जा रही थी, जो इनके मरने के बाद इनकी पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र हो गया, मिसेस सुषमा जी। देखिए, इनकी इनकम धीरे धीरे जब इनके मरने के बाद इनकी पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र हो गया, तब इनकी आमदनी 64,000 रुपये, 74,000 रुपये, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसी महीने में 73,000 रुपये, किसी महीने में 1 लाख रुपये, ये बढ़ते बढ़ते
देखेंगे आप कि 30 दिसंबर 2008 को इनकी इनकम 1,79,000 पे पहुंच गई और 7/1/2009 को 2 लाख को छू गई। और उसके बाद से देखेंगे कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रही है। उसके बाद इनकी फिक्स इनकम 2 लाख रुपये पर वीक अर्थात 8 लाख रुपये महीने की जा रही है, किसी महीने में 10 लाख रुपये महीने की जा रही है। यह दोस्तों, और इन्होंने 2009 और 10 में 1,04,00,000 रुपये कमाया। कंपनी पर विश्वास इन्होंने किया और अपने फैमिली को एक कुरियन मैन से कंपनी के डबल डायमंड लीडर आज बन चुके हैं ये मिस्टर सतीश कर्णा, जो आज स्कोडा रैपिड टॉप मॉडल की गाड़ी मेंटेन करते हैं और आज 4.5 लाख से 4.5 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम ये हमारा बेस्ट प्लान है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने सपने को साकार करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सिक्योर लाइफ से रिलेटेड और भी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और आपने ज्वाइन नहीं किया है सिक्योर लाइफ बिज़नेस को और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, डिस्प्ले हो रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका डिटेल देख सकते हैं या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।